गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने घर पे ही फॉल्स नेल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज़ द नेल बफर, इट्स ये इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस बफर से हमें अपने नेचुरल जो नेल की शाइन है उसे रिमूव करना है। हमें बहुत ही जेंटली बफर करना है बिकॉज हमारे नेल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। आपको इस तरह से पुश करते हुए अपने नेल के एजेस में से भी अपने शाइन को रिमूव करना है। फॉल्स नेल्स अप्लाई करने से पहले हमें अपने नेल को प्रिपेयर करना होता है अच्छे तरीके से। सो हमें इस तरह से बफर करना है, बहुत ही जेंटली बफर करना है अपने नेल्स को। डोंट डू इट विथ टू हार्स। सो यस, आप देख सकते हैं मैं बहुत ही जेंटली अपने नेल्स के शाइन को रिमूव कर रही हूँ। हमें अपने सारे नेल्स के नेचुरल शाइन को रिमूव करना है बिफोर अप्लाई एनी फॉल्स नेल्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो प्लीज़ आप उन्हें कट कर लें। सो मैंने सारे नेल्स को अच्छी तरह से बफर कर लिया है। अब मैं इस ब्रश से अपने सारे नेल्स के डस्ट को रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद मैं अपने हैंड को वॉश करूँगी ताकि जो भी अंदर के जितने भी डस्ट होंगे वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाए, धुल जाए। आपको अच्छी तरह से अपने नेल को क्लीन करना है। सो मैंने अपने नेल्स को वॉश कर लिया है, यू कैन सी। सो ये फॉल्स नेल्स मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगाए हैं। दीज नेल्स आर वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये 0 नंबर है और ये मैं आपको अपने नेल्स पे पहले लगा के दिखाऊंगी कि आपको अपने नेल्स पे कैसे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना साइज़ मेज़र करना है कि आपके नेल्स का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने नेल्स में अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन से ज़्यादा आपको अपने नेल्स को नहीं पुश करना है। यू कैन सी हमें बस इतने दूर तक ही अपने नेल्स में इससे स्टिक करना है ग्लू से। किसी तरह से आपको अपने सारे फिंगर्स के लिए नेल्स सेलेक्ट करके रख लेना है। आप प्लीज़ मेक श्योर कि ये जो एजेस बाहर की तरफ जा रहे हैं नेल्स के, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं हो जाने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ होना चाहिए। सो दिस इज़ नेल ग्लू, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है। एक्चुअली एक ग्लू एंड दिस इज एसीटोन नेल रिमूवर। हमें पहले कॉटन में एसीटोन नेल रिमूवर को लेके अपने नेल्स को अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि इसमें जितने भी डस्ट और भी अगर हो तो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है अपने नेल्स को। जितनी भी नेचुरल शाइन है वो मैंने रिमूव कर लिया है। सो अब मैं अप्लाई करूँगी नंबर 1। नेल्स के जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं या तो 1 to 10 होते हैं। मेरे नेल्स 0 to 9 हैं। ये मैं अपने थंब में अप्लाई करूँगी, इट्स 1 नंबर एंड इट्स परफेक्ट फॉर माई थंब। सो ग्लू को हमें निकालना है और इसे बहुत ही केयरफुली जो लाइन दी हुई है उस लाइन तक अप्लाई करना है, उस लाइन से ज़्यादा नहीं। अच्छे से अप्लाई करेंगे। सो अब इसको मैं अपने थंब पे अप्लाई करूँगी। बहुत ही जेंटली हमें अप्लाई करना है, ईजी ही करना है। हमें थोड़ा सा इसे प्रेस करके थोड़ी देर तक रखना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। स्टिक हो चुका है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली स्टिक हो जाता है। नाउ इट्स नंबर 4। सो मैं अपने नेल्स को मेजर करूंगी। सो दिस वन इज परफेक्ट। सो मैंने अपने सारे नेल्स पे अपने फिंगर के अकॉर्डिंग अपने साइज के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लिया है फॉल्स नेल्स को। अब हम इसे कट करेंगे।
मेरे पास अभी फॉल्स नेल्स कटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने नेल कटर से ही इसे कट करूँगी। अगर आपके पास है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नॉर्मल नेल कटर से इसे काटूँगी। आप चाहे तो सीजर से भी काट सकते हैं, ये बहुत ईजीली कट जाता है। आप अपने नेल्स को कोई भी शेप दे सकते हैं, आलमंड, चॉकलेट, एनी शेप। सो अब हम इस बफर से अगेन अपने नेल्स को फाइल करेंगे, उसे अच्छी शेप देंगे। शेप देना है आपको अपने नेल्स को। आपको दिख रहे हैं हमारे नेल्स के ऊपर, उस एज को भी हमें अच्छी तरह से बफर करके, अच्छी तरह से शार्पनेस से बफर करके हमें उससे रिमूव करना है। हमें उससे बिल्कुल इक्वल करना है ताकि वो इक्वल लगे। As you can see, मैं अब इसे इक्वल करूंगी क्योंकि ये बहुत ही अलग सा दिखता है, तो हम इसे अच्छी तरह से बफर करेंगे। इसे अच्छी तरह से फाइल करके हमें इसे इक्वल करना है। सारे नेल्स में हमें सेम प्रोसीजर करना है ताकि आपका जो फिनिश है वो थोड़ा सा स्मूथ, बिल्कुल नेचुरल फिनिश आए। सो मैंने अपने थंब के फिंगर को अच्छी तरह से फिनिश कर लिया, आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल इक्वल है और हमें एसीटोन रिमूवर से फिर से इसे क्लीन कर लेना है। आप कोई भी रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। नाउ मैं अपने नेल्स पे अप्लाई करूँगी जेल। इट्स अ सोक ऑफ जेल। मैं इसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी चीप। अदर जेल से ये काफ़ी सस्ता है और ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है, लाइक अ प्रो। अब हमें इस ब्रश की हेल्प से इसे अपने नेल्स के टिप पे अप्लाई करना है। हमें पहले फर्स्ट कोट अप्लाई करना है अपने नेल्स पे। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अपने सारे कॉर्नर को फिल करते हुए अप्लाई करना है। कोई भी किसी भी कॉर्नर में गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके नेल्स बहुत ही वियर्ड लुक करेंगे। आपको सारे कॉर्नर को अच्छी तरह से फिल करना है इस तरह से। सो मैंने अपने सारे नेल्स में अप्लाई कर लिया है। अब हमें इसे यूवी लाइट में 2 मिनट के लिए छोड़ना है। ये न्यू गेन का प्रोफेशनल यूवी लाइट है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है एंड इट्स वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। 2 मिनट के लिए हमें इसे ड्राई होने के लिए रखना है। तो ये ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी सेकेंड कोट। अप्लाई करने से पहले हमें एसीटोन क्लिंजर से इसे अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लेना है, नहीं तो इसके ऊपर एक बहुत ही स्टिकी परत सी होती है, वो इस क्लिंजर से इजीली रिमूव हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इजीली रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद आपकी नेल्स आपको बिल्कुल नेचुरल लगेंगे। आपको अच्छी तरह से क्लिंजर से अपनी नेल्स को क्लियर करना है। अब मैं अप्लाई करूँगी सेकेंड लेयर। सेम हमें उसी जेल को अप्लाई करना है। वन कोट, टू कोट या थ्री कोट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोट आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने नेल्स की फिनिश जितनी
डीप चाहिए या जितनी भी अच्छी चाहिए उतना आप जेल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक और कोट अप्लाई करूँगी अपने नेल पे। मुझे सिर्फ दो कोट लगाना पसंद है। हमें अच्छी तरह से अपने गैप्स को फिल करते हुए इसे लगाना है। तो ये मैंने सेकेंड कोट अप्लाई कर लिया है। अब हमें अगेन इसे 2 मिनट के लिए यूवी लैम्प में ड्राई होने रखना है। इस यूवी लाइट का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कराऊंगी। सो ये मैंने सेकेंड कोट अप्लाई कर लिया है एंड इट्स ड्राई। एंड अगेन हमें क्लिंजर से इसे क्लीन करना है। इसके ऊपर के स्टिकनेस को हमें रिमूव करना है। एंड देयर यू गो, आपके फॉल्स नेल्स सुपर स्ट्रांगली आप अप्लाई हो चुके हैं एंड इट्स लाइक अ प्रो। आप अपने एजेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। नाउ यू कैन अप्लाई एनी नेल पेंट, योर फेवरेट नेल पेंट। आई एम यूजिंग दिस नेल ट्रेंड जेल नेल पेंट। इट्स अ वेरी गुड नेल पेंट। मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करूँगी, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो हियर यू गो, आपके नेल्स आप अपने घर पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।